हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप आपकी स्टडी भी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी और बस 2 ही दिन का समय बच चुका है और आपका एग्जाम जो है शुरू होने वाला है SSC CGL का। तो सभी भाइयों को मेरे बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत आपको शुभ कामनाएं बोल सकता हूँ मैं कि चलो आपका बहुत अच्छे से एग्जाम हो, अच्छा स्कोर कीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी बस 2 दिन का समय, तो मैं यही कहूंगा जितना आप पढ़ चुके हो उतना सफिशियंट है, बस उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। और बहुत ही जो मेन चीजें, जो जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा सा रख लेना अच्छे से, क्योंकि वही चीजें आपको काम आएंगी। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने जो देखो रीजनिंग का अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप बहुत से स्टूडेंट आप लोग लगा ही चुके होंगे। बाकी जो 13 से 14 वीडियो है जो उसमें उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, या फिर नहीं मिली तो वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल चुकी होगी। तो बस जितना आपने कहने का अर्थ ये है, जितना आप पढ़ के जा रहे हो बेस्ट दो अपना, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। आज की जो वीडियो होगी वो 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स कर देगी। और ये आज का वीडियो जो होगा वो स्पेशली SSC CGL Tier 1 और Tier 2 के लिए होगा। इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बैंकिंग के साथ साथ कभी कभी अदर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बहुत आसान चैप्टर है, इजी वे में बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सभी भाइयों को एक बार फिर से जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, सभी को जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। इसमें ना आपको क्वेश्चन जो है पेयर फॉर्मेशन के चैप्टर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मेशन। यहां पर कोई वर्ड दे देगा, फॉर्मेशन की जगह और भी कोई वर्ड यूज कर सकता है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मेशन, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब पहले समझो क्या होता है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स, इसको पहले समझो कि इसका मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब इस तरीके से देख सकते हो कि ए के बाद देखो बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है। ऐसा तो नहीं है कि एफ से पहले आपका जी आ जाए या फिर ई से पहले आपका जेड आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। एक सीक्वेंस चलता होता है कि ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी ही आता है, डी के बाद ई ही आता है और ई के बाद एफ ही आता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है इस क्वेश्चन का, देखो बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये प्री में भी क्वेश्चन कई बार और मेंस में तो पूछा जाएगा। प्री में क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर का फिक्स होता है, लेकिन इसको पूछने का तरीका जो होता है 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखो कभी भी याद रखो, बहुत से स्टूडेंट को ये चीजें पता नहीं होती, इसलिए कई बार वो क्वेश्चन का गलत आंसर देते होते हैं, ठीक है। हालांकि काउंटिंग वो बिल्कुल सही करते हैं लेकिन आंसर उनका गलत रहता है। कभी भी ध्यान रखो, अगर आपके क्वेश्चन के एंड में, अगर आपके क्वेश्चन के एंड में बस जस्ट इतना लिखा हो इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश, ये पहला केस बता रहा हूं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर आपके क्वेश्चन के एंड में ये वर्ड मिले इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब आपने पेयरिंग हमेशा लेफ्ट से बतानी है। वो पेयरिंग क्या है मैं बताऊंगा आपको, तब आपने पेयरिंग जो है हमेशा लेफ्ट से बनानी है। ये पहले चीजें बस याद करो। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चन के एंड में ये वर्ड मिलता है इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तब आपने काउंटिंग यानी पेयरिंग हमेशा बोथ साइड से बनानी है, यानी लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से बनानी है और इनका कंबाइंड आंसर आपने देना होता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से बनानी है और इसका आंसर आपने कंबाइंड देना है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आपको सभी चीजें विजिबल है। जी बिल्कुल। अच्छा तीसरा देखो, आजकल एग्जामिनर बैंकिंग एग्जाम की स्पेशली बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से आपको घुमाता है,
इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लिखा होगा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा आपको इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चन के एंड में, लेकिन ब्रैकेट में क्या बोल देता है, व्हेन काउंटेड काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड। आजकल कुछ 2021 के एग्जाम में भी बैंकिंग पीओ में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये तीसरा केस इसमें बनता है जब आपको एग्जामिनर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मींस देखोगे अगर पहला केस जो है इस क्वेश्चन में यहां से यहां तक ऑर्डर तक, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है, यहां तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बाद में ब्रैकेट में उसने क्या लिख दिया, काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड। तो देखो वैसे अगर सिर्फ इतना लिखा हो ना इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो आपने सिर्फ लेफ्ट से ही काउंटिंग करनी है, पेयरिंग बनानी है, लेकिन अगर ब्रैकेट में आपको दिया है कि काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर भी आप सीरीज के अकॉर्डिंग दोगे, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग दोगे, मींस इसको आप दोनों तरफ से काउंट करके उसका कंबाइंड आंसर दोगे, मींस पेयरिंग आप लेफ्ट से भी बनाओगे और राइट से भी बनाओगे, ठीक है। तो चलो ये देखो इन तीन केसेस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछता होता है। क्वेश्चन के एंड में अगर बोला हो आपको इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहां से इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर जहां भी वर्ड मिले आपको, तो आपने काउंटिंग हमेशा यानी पेयरिंग हमेशा लेफ्ट से बनानी है, जैसे ABCD A to Z इस तरीके से एक सीक्वेंस ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस ए के बाद बी या था बी के बाद सी, इस तरीके से। लेकिन जहां भी आपको लिखे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज क्वेश्चन के एंड में, तो आपने ए से जेड तक तो पेयर बनाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको दिया होगा, मतलब लेफ्ट से तो आपने पेयरिंग बनानी है, राइट से भी आपने पेयरिंग बनानी है, और दोनों का आंसर आप ऐड करके तब कंबाइंड आंसर दोगे, ठीक है। तीसरा केस इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन बाद में आप अगर आपको ब्रैकेट में मिलता है काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, तब आपने काउंटिंग हमेशा दोनों तरफ से करनी है, यानी इसका भी बाय डिफॉल्ट आंसर किस तरीके से देना है, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग देना है। इतनी बात मेरी आई समझ में सभी को, आई होप सब समझ गए होंगे, ठीक है, इस तरीके से आंसर देना। अब आप तीन केसेस को समझ चुके हो, अब आप बैंकिंग हो चाहे कोई भी, वैसे तो बैंकिंग का ही ये टॉपिक है जो कि बाकी एग्जाम में भी थोड़ा थोड़ा पूछ लिया जाता है, अब आपके SSC एग्जाम में मैं देखो उन क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूं ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा, जैसे आपको पता है टायर टू की अगर मैं बात करूं, सीजीएल प्री में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है कि TCS जो है बैंकिंग पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है, तो मैं वो चीजें पहले आपको बता रहा हूँ। SSC में जो चीजें प्रीवियस ईयर आप बुक लगा चुके हो वो चीजें आपको आती हैं, लेकिन कुछ नया जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स मेरे भाई बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। तो एक भी नंबर आपका ना कटे, वो सारी चीजें मैं आपके उस पर मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। चलो तो आई होप आप सभी बिल्कुल समझ चुके होंगे, तो चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसका सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा। पहले तो मैं आपको इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का विद इन आप 10 to 15 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड दिया है, फॉर्मेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया है फॉर्मेशन, आपको एक वर्ड दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। इस क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया है फॉर्मेशन, मैंने आपको बोला है कि चाहे मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूं बट कंटेंट में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, बस आप लोगों का अच्छे से सपोर्ट रहे, तो हम बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। फॉर्मेशन वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर मेरे भाई शेयर किया करो, ठीक है। देखो ये वर्ड है आपके पास फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन वर्ड है। अब देखो आपको आंसर किस तरीके से देना है, बोला है लास्ट में क्वेश्चन के क्या लिखा है, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लास्ट में क्या लिखा है मेरे भाई, ऑर्डर, ऑर्डर लिखा है क्वेश्चन में, तो ऑर्डर लिखने का मतलब है आपने पेयरिंग हमेशा लेफ्ट से ही बनानी है, राइट से पेयरिंग नहीं बनानी है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट से पेयरिंग आप कब बनाओगे, जब यहां पर एक वर्ड होता है इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। लेकिन ये तो ऑर्डर है, ऑर्डर मींस आप ए टू जेड की तरह ही बनाओगे, मींस लेफ्ट से ही काउंट करोगे। अब देखो किस तरीके से बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है।
अच्छा एफ के बाद देखो क्या आता है, एफ के बाद देखो जी आता है, तो जी अगर मैं नीचे लिखूं, जी के बाद अच्छा एफ ओ के बाद देखो क्या आता है, एफ के बाद देखो जी आता है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, ठीक है। अच्छा आर के बाद देखो एस आता है, एम के बाद देखो एन आता है, ए के बाद देखो बी आता है, टी के बाद देखो यू आता है, आई के बाद देखो जे आता है, ओ के बाद देखो पी आता है। क्या कोई भी इनमें वर्ड जो है मैच हुआ, क्या कोई भी वर्ड जो है इसमें मैच हुआ? नहीं हुआ। अच्छा एक और दूसरे एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, रुको इस तरीके से अगर आप नहीं समझे, रुको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक बात मुझे बताओ, आपको पता है कि अच्छा आपको पता है कि एफ के बाद देखो जी आता है, क्या यहां पर जी है? नहीं है। अच्छा जी के बाद देखो एच आता है, एच भी नहीं है, एच के बाद देखो आई आता है, आई भी नहीं है, आई के बाद देखो जे आता है, जे भी नहीं है, जे के बाद देखो के आता है, के भी नहीं है, के बाद एल नहीं, एल के बाद एन नहीं, एन के बाद ओ नहीं। मीन्स अगर मैं सिर्फ एफ को लेके चलूं, एफ के बाद देखो जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है, जी एच आई जे के एल एम एन। क्या कोई क्या एफ के बाद जी आता है, यहां पर जी लिखा है? नहीं लिखा, यानी पेयरिंग नहीं बनी। अच्छा जी के बाद देखो एच आता है, एच यहां पर है, अगर एच यहां पर होता तो हम क्या पढ़ते, एफ जी और एच, एच अगर यहां पर भी होता है और एच तो ऑलरेडी यहां पर है ही है, तो ये एक मैच हो जाता, मीन्स एक पेयर आपका बन जाता। एच के बाद देखो आई, लेकिन आई तो यह नहीं, एम है, अगर आई होता यहां पर तो ये आई यहां पर भी मैच हो जाता। आई के बाद जे, बट ये तो ए है, जे के बाद के नहीं मैच हुआ, एल नहीं मैच हुआ, एम नहीं मैच हुआ, लेकिन एन देखो मैच आपका हो चुका है, यानी एफ ने एन के साथ एक पेयर बना लिया। एफ के बाद देखो जी आता है, एच आई जे के एल एम एन, यानी एक पेयर आपका एफ का बन चुका है। अच्छा एफ के साथ तो आपने चेक कर लिया, आपको देखो हर एक लेटर के साथ पेयरिंग बना के देखना है, हर एक लेटर के साथ आपने पेयरिंग बना के देखना है, ठीक है। तो एक पेयर तो आपका एफ, एफ ने एक पेयर आपका बना लिया, एक पेयर तो आपका एफ का बन चुका है। अब और देखो क्या, एफ के अलावा ओ पेयर बना रहा है, तो ओ के बाद देखो पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, देखो ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। इसको तो चलो हमने लिख लिया कि हाँ एक पेयर एफ ने बना लिया, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि एफ ने एन के साथ एक पेयर बना लिया, ठीक है। जहां से आप शुरुआत करो उसको एज इट इज लाइन छोड़ना, जहां तक एंड हुआ वहां पर बस एक एरो लगा देना ताकि आपको पता लग जाए कि एफ ने एन के साथ एक पेयर बना लिया। अच्छा ओ से हम लोग शुरू करते, ओ के बाद देखो पी आता है, आर पी है, मैच नहीं हुआ, पी के बाद क्यू, एम क्यू है, नहीं मैच हुआ, क्यू के बाद आर, ए आर है, नहीं मैच हुआ, आर के बाद एस, नहीं मैच हुआ, एस के बाद टी, नहीं मैच हुआ, टी के बाद यू, नहीं मैच हुआ, यू के बाद वी, नहीं मैच हुआ, यानी ओ ने तो कोई भी पेयर नहीं बनाया, ठीक है। हर एक लेटर को इंडिविजुअली आपने, हर एक लेटर को देखो, मैंने एफ से पहले चेक किया था कि एफ कितने पेयर बना रहा है, एफ ने सिर्फ एन के साथ पेयर बनाया, मीन्स आपको एफ के साथ कितनी पेयरिंग बनी, सिर्फ एक बनी, ठीक है। इसी तरह एन ओ के साथ कोई पेयरिंग नहीं बनी। आप आर को चेक करते हैं, तो आर के बाद देखो एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है, फिर वी, फिर W, फिर X, कोई भी मैच आप देख रहे हो नहीं हो रहा, ठीक है। अब M के साथ देख लेते हैं, हर एक लेटर को, पहले मैंने F से देखो चेक किया, अब O से चेक करो, R से चेक करूंगा, R के बाद S, T, U, V, W, X नहीं मैच हुआ। अब M को, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, P के बाद Q, कोई मैच नहीं हुआ, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, कोई मैच नहीं हुआ, T के बाद U, V, W, कोई मैच नहीं हुआ, आई के बाद जे, जे के बाद के, कोई मैच नहीं। अब ओ के साथ देखते हैं, ओ के बाद पी, नहीं मैच हुआ। अगर मैच हो जाए तब तो एक आपका पेयर बन जाएगा, अगर मैच ना हो तो पेयर नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या था लास्ट में, वर्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स सिर्फ आपने लेफ्ट से काउंट करना है, सिर्फ लेफ्ट से काउंट करना है, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हुआ, कितने पेयर बने आपके, एक, एक ही पेयर होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अच्छा अच्छा अगर अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर यहां पर आपका ऑर्डर ना लिख के अगर लिखता सीरीज, अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि बताओ सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज,
तब देखते हैं इसमें कितने पेयर बनते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये चेंज हो चुका है, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछ लिया गया, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। आपको पहले बेसिक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, उसके बाद मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा इन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोला है, सीरीज बोला तो मैंने बोला एक तो आपने लेफ्ट से भी काउंट करना है पेयर कितने बने, और राइट से भी चेक करना है, हर एक लेटर को इंडिविजुअली चेक करना है कि वो कितने पेयर बना रहा है, ठीक है। हो सकता है एक ही लेटर आपका एक से दो बार पेयर बना ले, दो से तीन बार भी पेयर बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो देखो एक तो लेफ्ट से जब हमने काउंट किया था, आपको पता है कि जब आपसे सीरीज पूछे ना, सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने लेफ्ट पेयर प्लस राइट पेयर इन दोनों को ऐड करके ही आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन में जो भी इनको ऐड करके आंसर होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन हो तो लेफ्ट प्लस राइट, मतलब लेफ्ट से भी काउंटिंग करनी है आपने पेयर बनाने, और राइट से भी पेयर बना के देखने, ठीक है। अच्छा लेफ्ट से जब हमने इसमें पेयर बनाया था तो एफ ने सिर्फ एन के साथ बनाया था एक ही पेयर, अब हम राइट से चेक करते हैं, ठीक है। राइट से अगर हम चेक करते हैं तो देखो राइट से पहले एन को पकड़ो, एन है, एन के बाद देखो ओ आता है, तो देखो ओ मैच हो चुका है मेरे भाई, ओ मैच हो चुका है। अब यही तक रुकना नहीं है और इसको एन को छोड़ देना, नहीं ऐसा ना कुछ, एन ने देखो ओ के साथ पेयर तो बना लिया, क्योंकि देखो एन के बाद ओ आता ही आता है, आता है ना, ठीक है। एक पेयर तो एन ने बना लिया ओ के साथ, क्या एन और भी लेटर के साथ पेयर बना रहा, तो आगे चेक करो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं एन ने सिर्फ ओ के साथ ही पेयर बनाया, ठीक है, सिर्फ एन ने ओ के साथ ही पेयर बनाया, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एन से, क्योंकि शुरुआत हुई है तो जस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो, और जहां पे पेयर बना वहां पर एक एरो, ठीक है। अच्छा अब ओ से चेक करो कि ओ कितने पेयर बना रहे, ओ के बाद देखो पी आता है, पी के बाद देखो क्यू आता है, क्यू के बाद देखो आर आता है, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, कोई भी पेयर मैच नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आई के साथ चेक करते हैं क्या आई बना रहा है, तो देखो आई के बाद देखो जे आता है, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, कोई पेयर मैच नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैच हुआ था तो एक पेयर बन जाता। अब देखो टी के बाद चेक, देखो टी एक टी देखो बड़ा लेटर है ना, टी बड़ा लेटर, टी के बाद यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, सारे छोटे लेटर है तो पेयर नहीं बनेगा, टी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। एक से चेक करते हैं, एक के बाद देखो बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, अगर यहाँ पे ई होता तब तो मैच हो जाता, एक पेयर बन जाता, बट यहाँ पे ई ना देके आपको एफ लिखा हुआ है, नहीं मैच हुआ। अब देखो एम, एम के बाद देखो एन आता है, एन के बाद देखो ओ, देखो एक पेयर मैच हो गया ना, एम ने एक पेयर बना लिया ना, बनाया कि नहीं, बना लिया, अब लोग सर बिल्कुल बना लिया, यानी एम ने एक पेयर तो भाई बना लिया, क्या एम और भी पेयर बना रहा है, देखो एम ने एक पेयर तो भाई मेरे बना लिया। अब आगे चेक करो M और भी पेयर बना रहा है, M के बाद देखो N, N के बाद O, O के बाद P, ये P नहीं है F है, इसलिए पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अब R को चेक करो, R के बाद देखो S आता है, S के बाद T, नहीं मैच हुआ, O के बाद देखो P, नहीं मैच हुआ, और इसके बाद तो कोई वर्ड लेटर है ही नहीं, यानी सीरीज के अकॉर्डिंग, ये सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा था, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तब आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा, जस्ट इस एरो को काउंट कर लो, एक दो तीन, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीन, तीन पेयर बने। तो आई होप अब आपको समझ आ जाएगा, बस हमने ना मैचिंग करनी होती है, अगर मैच हो गया तो एक पेयर बन जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हो तो पेयर हमेशा लेफ्ट से ही बनाना है, लेकिन अगर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोला हो आपके क्वेश्चन में तो पेयर आपने लेफ्ट से भी काउंट करने और राइट से भी काउंट करने, और उनको जोड़ के आपने उनका कंबाइंड आंसर देना होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो क्वेश्चन सारे यही रहेंगे, मतलब स्टेटमेंट सारी यही रहेंगी आपकी, ठीक है, बस मैं आपको अब वर्ड दूंगा और उसके हम आंसर दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे, ठीक है। इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल यहां पर वर्ड मैं चेंज कर दूंगा, इस पूरे के पूरे चलो क्वेश्चन को आपको पता लग ही चुका है, स्टेटमेंट सारी सेम रहेगी, ठीक है, स्टेटमेंट आपकी सारी की सारी सेम रहेगी। अब मैं जस्ट आपके सामने एक वर्ड पुट करूंगा, आप उसका आंसर मुझे तीनों केसेस, मतलब तीनों क्वेश्चन, तीन तरह से क्वेश्चन पूछता नहीं, तीनों तरीके से बताओगे, ठीक है। मैंने बोला आपको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले लेते जो दिया हुआ है, एक वर्ड है आपका सब्सटेंस, सब्सटेंस एक वर्ड है,
क्वेश्चन में आपके एक वर्ड दिया है सब्सटेंस, सब्सटेंस। मैंने आपको बोला इसका इसको इसका आंसर मुझे आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग दो, कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसके यहां पर देता हूं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग दो कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि आपको सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर दो कि कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, अगर मैं काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड बोलूं तो वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट सीरीज का ही हो जाएगा, उसको तो वैसे भी करवाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो। अगर ब्रैकेट में आपको देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख के ब्रैकेट में लिखा हो काउंटेड फ्रॉम बोथ साइड, तो आपने दोनों तरफ से काउंट करके उसका कंबाइंड आंसर देना है, ठीक है। इतनी अच्छा अच्छा देखो आपको मैंने बताया था कि एक तो बेसिक आपको तरीका बताऊंगा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डायरेक्ट अप्रोच, इसको जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, उस चीज को आप समझोगे। तो देखो अगर आपको अल्फाबेटिकल लेटर्स के प्लेसेस अगर अच्छे से याद है आपको, तो इसका क्वेश्चन विद इन 10 seconds में आप दे सकते हो जल्दी से काउंट करके, ठीक है। 10 to 15 seconds इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा, आप भी याद कर लेना उसकी अप्रोच में आपको, क्योंकि देखो ये बैच जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 और टायर 2 के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए और बेसिक सुन के क्लियर है कि अल्फाबेटिकल लेटर के प्लेसेस उनको याद है, ये उनके लिए, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए भी वीडियो आएगी इस चैनल पे, बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल जो आपका चैप्टर होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है आपने, तो आपको पता है एस जो है जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं आपने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको जितने भी लेटर्स दिए हैं इनको ना इनके लेटर प्लेसेस में कन्वर्ट करो। तो एस देखो 19 पे आता है, यू देखो 21 पे आता है, बी आता है आपका 2 पे, एस आता है आपका 19 पे, टी आता है आपका 20 पे, ए आता है आपका 1 पे, एन आता है आपका 14 पे, सी आता है आपका 3 पे और ई आता है आपका 5 पे। अब देखो अगर मैंने इसका आंसर ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना कि बताओ ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसके कितने पेयर बनेंगे, तो देखो 19 के बाद देखो 20 आता है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, कोई मैच नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 19 ने तो पेयर नहीं बनाया, लेकिन 21 का देखते हैं, 21 के बाद 22, 23, देखो कभी भी कोई लेटर की बात करो, कोई भी लेटर अपने से छोटे लेटर के साथ पेयर नहीं बनाएगा, हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा 21 के बाद 22 सारे छोटे हैं तो पेयर नहीं बनेगा, अगर 21 से बड़े होते तो पेयर बन जाता। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 2 के बाद देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या कोई भी मैच हुआ इसमें से? आप बोलोगे सर नहीं हुआ, आप बोलोगे सर बिल्कुल मैच नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक किसी और को चेक करो। अब 19 को चेक करते, 19 के बाद 20, 21, देखो 19 के बाद 20 जब मैंने बोला था 19 ने एक पेयर तो बना लिया, कि 19 के बाद 20 आता है तो भाई 20 आता है, 19 के बाद 20 तो एक पेयर बन गया। लेकिन यहीं तक नहीं रुकना, 19 के बाद देखो क्या 19 और भी नंबर के साथ पेयर बना रहा है, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 नहीं मैच हुआ, 20 को चेक करते हैं, 20 के बाद 21, 22 नहीं मैच, 1 के बाद देखो, अच्छा देखो अब 1 को देखते हैं, 1 के बाद देखो 2 आता है, 2 के बाद देखो 3, ये देखो 3 मेरे भाई मैच हो चुका है, 3 के बाद 4 ये मैच नहीं हुआ, इसलिए एक और पेयर हमें मिल चुका है जो कि किसने बनाया है, ये 1 ने बनाया है 3 के साथ, 1 ने 3 के साथ पेयर बनाया, तो जिसने पेयर बनाया उससे शुरुआत कर लो और जिसके साथ पेयर बनाया उसके आगे जस्ट एक एरो लगा लो। 14 को चेक करो, 14 के बाद देखो 15 आता है, 15 के बाद 16 नहीं मैच हो रहा, 3 के बाद देखो 4 आता है, नहीं मैच हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग दोगे तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1, 2, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 2, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला कि सीरीज के अकॉर्डिंग बताओ, अगर आपके क्वेश्चन में इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बोला होता तब काउंटिंग कैसे करते हैं आप दोनों साइड से, तो देखो इस क्वेश्चन में आपने लेफ्ट से तो काउंटिंग कर ली, अब राइट से काउंटिंग करके शुरू देखते हैं। 5 के बाद देखो 6 आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई मैच नहीं हुआ, कोई भी मैच नहीं हुआ इसमें, ठीक है। 3 के बाद देखो, अब 5 के बाद 3 को पकड़ो, 3 के बाद देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई मैच नहीं हुआ। 14 को चेक करो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई मैच नहीं हुआ। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 कोई मैच नहीं हुआ। 20 को पकड़ो, 20 के बाद 21, 22, 23 कोई मैच नहीं हुआ।
19 के बाद देखो 20, 21. अब देखो 19 के बाद 20, 21. देखो एक पेयर 19 इसके साथ भी बना रहा है, तो यहाँ पर एक एरो, ठीक है. अच्छा 19 के बाद देखो और भी, 21 के बाद 19 जो है, 21 के बाद और भी पेयर बना रहा, तो 19 के बाद 20, 21, 22 नहीं बना रहा, ठीक है. दो को पकड़ो, दो के बाद 3, 4 नहीं बना, 21 के बाद 22, 23 नहीं, 19 तो बना ही नहीं सकता वैसे भी. तब इसका आंसर, अब इस क्वेश्चन का क्या हो जाता अगर मैंने आपसे पूछा होता कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बताना, तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर एरो को जस्ट काउंट कर लो, एक एरो, दो, तीन, तब इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर क्या हो जाता, तीन हो जाता. तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है. कई बार देखो ध्यान रखना, हर एक लेटर के लेटर प्लेसेस को इंडिविजुअली आपने चेक करके बताना. तो आपने देखा होगा नंबर टू नंबर पेयर्स बनाना लेटर टू लेटर पेयर्स बनाने के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, ठीक है. तो ये अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए. चलो अब एक आगे एक और आपकी उसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं. अगर आपको मैं एक वर्ड देता और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को आज मिल जाएगी, ठीक है. अगर मैं आपको एक वर्ड दूं पॉपुलेशन, ऐसे ही देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको अगर ये तीन केसेस पता है कि तीन तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तब उसका आंसर स्टूडेंट परफेक्टली देंगे. लेकिन उसको उनको ये तीन चीजें नहीं पता होती, तीन टाइप्स नहीं पता होते, इसलिए वो कंफ्यूजन में रहते हैं और गलत आंसर हमेशा मार्क करते हैं, ठीक है. लेकिन आप क्योंकि मेरे स्टूडेंट हो तो आप गलत आंसर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता लगे कि तीन तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो आप तो गलती नहीं करोगे, ठीक है. और भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आप जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए. अगर आपको एक वर्ड दिया होता पॉपुलेशन, अगर आपको एक वर्ड दिया, हालांकि एक क्वेश्चन पूछा भी गया है पॉपुलेशन, एक वर्ड है पॉपुलेशन, एक वर्ड आपको दिया है पॉपुलेशन, ठीक है. पॉपुलेशन में आपसे मैंने क्वेश्चन देखो दोनों, वैसे तो क्वेश्चन आपको एक ही पूछेगा, या तो ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ लेगा. मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जस्ट दोनों तरीके से पूछ रहा हूं आंसर, ठीक है. मुझे बताओ कि पॉपुलेशन वर्ड में कितने पेयर बने, कितनी पेयरिंग होगी, ठीक है. अगर उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछूं या फिर पूछूं सीरीज के अकॉर्डिंग, तो चलो पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं इसके क्या. तो मैंने क्या बोला, लेटर टू लेटर आप पेयर मत बनाओ, इनको डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करो. तो देखो पी किस प्लेस पे आता है, 16 पे आता है. ओ किस प्लेस पे आता है आपका, 15 पे आता है. पी अगेन 16 पे आता है. यू आता है आपका 21 पे. एल आता है आपका 12 पे. ए आता है आपका 1 पे. टी आता है आपका 20 पे. आई आता है आपका 9 पे. ओ आता है आपका 15 पे. और एन आता है आपका 14 पे, ठीक है. इन लेटर्स को मैंने क्या कर दिया, इनके नंबर लेटर प्लेसेस पे कन्वर्ट कर दिया. आपने कभी भी इस तरीके से आंसर नहीं देना कि पी के साथ पहले मैच करोगे कितने पेयर बने, ओ के साथ कितने बने, इस तरीके से नहीं. इनको डायरेक्ट आप नंबर में चेंज करो, क्योंकि नंबर टू नंबर आप पेयर बनाना, लेटर टू लेटर पेयर बनाने के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, ठीक है. आपने देखा अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन को, आपने देखा ही होगा कितना इजी है. तो आपकी अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए. चलो अब देखते हैं, मैंने इनको नंबर में कन्वर्ट कर दिया. अब देखो आपसे मैंने बोला कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताओ इसकी इसका आंसर क्या होगा, तो चेक करो. 16 के बाद देखो 17 आता है, 18, 19, 20, 21, 22 कोई मैच नहीं हुआ. 15 के बाद देखो 16 आता है, तो देखो 16 तो 15 के बाद ही आता है, तो 15 ने क्या किया, एक पेयर तो 16 के साथ बना लिया, ठीक है. लेकिन क्या ये 15 16 के साथ जो बना रहा है, क्या 15 और भी नंबर के साथ बना रहा है, तो आगे भी काउंट करो. हो सकता है कि एक ही आपका नंबर एक से ज्यादा नंबर के साथ पेयर बनाए. 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, देखा आपने, देखा 20 के साथ भी ये बना रहा है. मतलब 15 के बाद 16 तो आता है, 16 के बाद 17, देखो 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20. अब देखोगे कि ये वाला मैच हो चुका है इसके साथ. 1-19 मैच नहीं हुआ, 12-18 मैच नहीं हुआ, 21-17 मैच नहीं हुआ, लेकिन 20-20 मैच हो चुका है. आगे भी चेक करो, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, देखो 16 ही रहा, इसने भी पेयर बना लिया था. 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, एक पेयर यहाँ पे. इसके बाद भी चेक करो 21, 22, 23 नहीं बना. यानी 15 ने एक तो 16 के साथ पेयर बनाए और एक 20 के साथ. कहने का मतलब है अगर आप 15 और 20 के बीच में देखोगे तो 1, 2, 3, 4 ही नंबर आपको दिखते हैं. नंबर सीरीज में भी देखोगे तो नंबर में
15 और 20 के बीच में चार ही नंबर आते हैं, तो चार नंबर देखो यहाँ पर भी है। ठीक है, आप देख रहे हो कि नंबर टू नंबर काउंट करना ज्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू लेटर टू लेटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दो चीजें मिल, मतलब 15 ने आपने देखा कि दो पेयर बना लिया, 15 की पेयरिंग जो है दो नंबर के साथ आपकी हो चुकी है। एक सीक्वेंस में देखना होता हमने कि 15 के बाद 16 था, 16 ही आना चाहिए, अगर मैच हो गया तो आपका एक पेयर बन गया। तो 15 ने आपने देखा 16 के साथ भी पेयर बनाया और एक पेयर बनाया इसने 20 के साथ। ठीक है, अब चेक करते हैं 16 को। हर एक नंबर को इस तरीके से आपने पहले लेटर को नंबर में चेंज करना है, आपने पहले लेटर को जितने भी लेटर्स दिए होंगे उसको नंबर में, और हर एक नंबर को फिर इंडिविजुअली आपने पेयर बना के देखना है। हो सकता है एक ही नंबर या फिर एक ही लेटर एक से ज्यादा लेटर के साथ या फिर नंबर के साथ पेयर बनाए, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा, हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं उसको पहले हमने नंबर लेटर प्लेसेस में कन्वर्ट करना है, फिर अकॉर्डिंग टू आप नंबर सीरीज आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। तो अब देखो 15 भी चेक हो गया, अब 16 भी चेक, 16 के बाद देखो 17 आता है, 17 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20। तो एक और देखोगे आपने, इस बार 16 ने भी क्या किया, 20 के साथ पेयरिंग बना ली। तो क्या 16 और भी आगे बना रहा, तो 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, कोई पेयरिंग नहीं बनी। तो यानी 16 ने सिर्फ एक पेयरिंग बनाई है 20 के साथ। अब आगे बढ़ जाओ 21, अब देखो कि 21 के बाद अगर आपको 21 के बाद मींस 21 बड़ा नंबर है, 21 के बाद अगर इससे भी बड़ा नंबर मिले फिर तो पेयरिंग बनने की संभावना होती है, लेकिन 21 से अगर छोटे नंबर आपको दिख रहे हैं तो पेयरिंग मेरे भाई नहीं बनती। ठीक है, अब 12 को चेक करो, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 कोई मैच नहीं हुआ। एक को देखो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, कोई मैच नहीं हुआ। 20 के बाद देखो सारे छोटे नंबर, इसलिए पेयर नहीं बनेगा। 9 के बाद 10, 11 कोई मैच नहीं हुआ, 15 के बाद 16 कोई मैच नहीं। अब देखो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका अगर आप आंसर देते तो इसका आंसर क्या होता, तीन, यानी तीन ही पेयर बने, एक एरो, दो एरो और तीन एरो। ठीक है, लेकिन सीरीज में हम क्या करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, सिर्फ लेफ्ट से पेयर बना के अपना आंसर देते हो कितने पेयर बने, लेकिन सीरीज में क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट से उनका आंसर कंबाइन करके दिया जाता है। सीरीज का अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपने लेफ्ट से भी पेयर बनाने और राइट से भी पेयर बनाने हैं, उनको आपने ऐड करना है तब आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखो सीरीज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो लेफ्ट से तो हमने ऑलरेडी बना ही लिया है, अब राइट से करते हैं। लेफ्ट से जब हम बनाए तो तीन बना, अब राइट से चेक करो तो 14 से शुरू होता है, 14 के बाद देखो 15, देखो पहला ही नंबर मैच हो गया, 14 के बाद देखो 15 आता है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी मैचिंग नहीं हुई, सिर्फ 14 ने 15 के साथ पेयर बनाया, 16, 17, 18, 19, 20 आगे कोई पेयरिंग नहीं बनी। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 14 से हमने पेयर बना के देख लिया कि सिर्फ एक बना, 14 ने सिर्फ 15 के साथ, अब 15 को देखो, 15 के बाद देखो, 15 के बाद देखो 16 आता है, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद देखो 18 आता है, 18 के बाद देखो 19 आता है, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22, 23, कोई भी पेयर इसका मैच नहीं हुआ। ठीक है, अब 9 के साथ देखते हैं, देखो 9 के बाद देखो 10 आता है, 10 के बाद देखो 11 आता है, 11 के बाद देखो 12 आता है, 12 के बाद देखो 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, और 15 के बाद मेरे भाई 16 आता है। आप ये ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, अच्छा देखो 9 के बाद 10 आता है लेकिन ये तो 10 20 है, मैच नहीं हुआ, 10 के बाद 11 था, ये तो 1 11 है, मैच नहीं हुआ, लेकिन 12 देखो मैच हो चुका है, 12 मैच 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 मैच हो चुका है, यानी 12 आपका मैच हो गया। तो क्या इसका कहने का मतलब क्या है, 9 ने एक पेयर तो 12 के साथ बना लिया, क्या 9 आगे भी पेयरिंग बन रही है, तो देखो 12 के बाद 13 नहीं मैच हुआ, 21 13 इसलिए नहीं मैच हुआ, 14 16 14 इसलिए मैच नहीं हुआ, 15 ये 15 देखो बना लिया, 9 ने एक और पेयरिंग बना ली 15 के साथ। तो आप जस्ट इसी लाइन को इस तरीके से खींच के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते आप, जस्ट यहीं से 9 से स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाओ और यहाँ पर एक एरो खींच दो। अच्छा 9 के बाद 10 11 12 मिल गया, 13 14 15 15 भी मिल गया, क्या 16 15 के बाद 16 दिया है, क्या 16 मैच हुआ, 16 भी मैच हो चुका है, तो इसी एरो को खींच दो इस तरीके से 16। यानी कहने का मतलब क्या है, 9 ने इस बार देखियो तीन नंबर के साथ पेयरिंग बनाई, 12 के साथ भी बना ली, 15 के साथ भी बना ली और 16 के बाद, क्योंकि देखो 9 के बाद 10 आता है तो, लेकिन 20 था ये मैच नहीं हुआ, फिर 11 आता है,
एक 11 मैच नहीं हुआ लेकिन 12-12 मैच हो गया था, ऐसे ही 15-15 भी मैच हो गया और 16-16 भी मैच हो गया। तो आप देख रहे हो 9 ने 3 नंबर के साथ पेयर बनाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक नंबर हो सकता है या फिर लेटर हो सकता है, एक से ज्यादा नंबर या फिर लेटर के साथ पेयरिंग। 20 को चेक करता हूँ, 20 के बाद देखोगे 21, 22, 23 सारे बाकी छोटे हैं, नहीं बनेगा। 21 एक एक को चेक करो, एक के बाद देखो 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, कोई मैच नहीं हुआ। 12 के बाद देखो 13 आता है, 13 के बाद देखो 14 आता है, 14 के बाद देखो 15 आता है, 15 आता है ना, तो इस 12 से स्टार्ट हो जाओ, एक पेयरिंग आपके 15 के साथ बन चुकी है। 12 के बाद देखो 13 आता है, 13 के बाद 14, लेकिन 14 के बाद 15 मैच हुआ और 16 भी मैच हो गया, मींस 12 ने भी इस बार दो नंबर के साथ पेयरिंग बना दी। मैंने आपको इसीलिए बोला था हर एक नंबर को आपने बार बार चेक करना, हो सकता है एक ही नंबर आपका एक से ज्यादा पेयर बना रहा हो। देखो 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 एक मैच हो गया, 15, 15 फिर 16 भी मैच हो गया, यानी 12 ने दो नंबर के साथ मैचिंग कर दी है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं 21 को चेक करते हैं, 12 के बाद 21 आपका आ गया, 21 के बाद 22, 23 सारे छोटे नंबर इसलिए पेयर नहीं बनेगा, 16 के बाद देखो 17 नहीं बनेगा, 15 के बाद 16, देखो 15 ने मेरे भाई एक और पेयरिंग बना ली 16 के साथ, बना ली। आप बोलोगे सर बिल्कुल बना ली, तो बस अब सारी चीजें हमने लेफ्ट से भी काउंटिंग कर ली और राइट से भी काउंटिंग कर ली, तब इसका आंसर आप कंबाइन करके दोगे, मैंने बोला था। तो लेफ्ट से पहले काउंटिंग करो कितने एरो हैं, 1, 2, 3, राइट से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 3 यानी 3 + 7 बोलो तो क्या होगा, 10। यानी इस क्वेश्चन का अगर सीरीज में पूछा होता आंसर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तब इसका आंसर क्या हो जाता मेरे भाई, 10 हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, कभी भी आप लेटर से लेटर मैच करके मत देखना, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है और ज्यादातर चांसेस होते हैं उसके गलत आंसर ही दोगे आप। लेकिन आप अगर आपको लेटर के प्लेसेस याद हैं तो डायरेक्ट उनको जो भी लेटर्स दिए हुए उस वर्ड में आप उसको उसके प्लेसेस लिखो और नंबर टू नंबर मैच कर लो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी सभी क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करना, मैं इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि बार बार वही चीजें करूं उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसकी पीडीएफ में आज डाल दूंगा, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो छोटा सा एक चैप्टर था आपको, तो अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बार ना क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज में भी पूछ लिए जाते हैं, तो नंबर सीरीज का कभी भी क्वेश्चन आए, चलो उसकी बात मैं जब आपको डिटेल में अच्छे से कराऊंगा तब कराऊंगा, फिलहाल तो आपकी ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान रखना। एसएससी टायर 1 की बात करो या टायर 2 की, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो क्वेश्चन कोई छूट ना जाए। और ये टायर 2 में अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आएगा, और टायर 1 में आता है तो छोटा सा ही क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, सीजीएल टायर 1 की बात करो या फिर टायर 2 की, ठीक है। तो बस इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हंसते मुस्कुराते रहो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, और बस आपने जितना भी पढ़ा आप अपना 100% दे के आओ, ठीक है। सभी को शुभकामनाएं सीजीएल टायर 1 की, तो सभी को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।